ये वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। बात करेंगे खेसारी लाल यादव, दिनेश लाल यादव निरहुआ और पवन सिंह के घरों के बारे में। जी हाँ, आप तो जानते हैं कि मुंबई में इनके घर बड़े ही कीमती हैं, तो क्या इनके पैतृक गांव में भी इनके घर उतने ही कीमती हैं? तो बात करते हैं पहले भोजपुरिया सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की। जी हाँ, बड़े ही कम समय में लोगों के दिलों में अपना एक अलग स्थान बनाने वाले खेसारी लाल यादव का घर अभी तो काफ़ी छोटा है। खेसारी लाल यादव का पैतृक गांव वाला घर तो अभी उतना बड़ा नहीं है, साथ ही साथ जगह की कमी होने के कारण इस घर को उतना शानदार नहीं बनाया गया है। और इस बात का खुलासा खुद खेसारी लाल यादव के चाचा ने किया है कि खेसारी लाल यादव जल्द ही अपने पूरे परिवार को रहने के लिए एक बड़ा आलीशान घर बनवा रहे हैं। जी हाँ, जिसका काम भी शुरू हो चुका है और काफ़ी हद तक इसका काम पूरा भी हो चुका है। इसके लिए खेसारी लाल यादव अच्छी खासी रकम खर्च कर रहे हैं। बताया जाता है कि खेसारी लाल यादव को गांव बहुत पसंद है। अपनी मिट्टी से जुड़े रहना खेसारी लाल यादव को बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए खेसारी लाल यादव शायद मुंबई से ज़्यादा अपने गांव रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसलिए खेसारी लाल यादव जो घर बनवा रहे हैं बड़ा ही कीमती बनवा रहे हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पावर स्टार पवन सिंह के घर की तरफ। जी हाँ, आरा में पवन सिंह का एक बहुत ही बड़ा घर है। बताया जाता है कि जब पवन सिंह की माली हालत ठीक नहीं थी तो ये घर काफ़ी छोटा हुआ करता था और जगह भी इनके पास काफ़ी कम थी, लेकिन और भी जगह इन्होंने खरीदी और उसके बाद इन्होंने एक बहुत ही बड़ा घर बनवाया। आपको बता दें कि चारों तरफ से बाउंड्री से घिरा इनका घर मॉडर्न और पुराने जमाने का दिखता है। जहां एक तरफ पवन सिंह ने मॉडर्न चीज़ों का भी ध्यान रखा है, तो वहीं अपने देसी चीज़ों से भी वो बिल्कुल दूर नहीं गए हैं। अपने घर के विषय में हमेशा पवन सिंह ये कहते नज़र आते हैं कि इस घर में उनका बचपन बीता है, इसलिए इस घर को वो पूरी तरह से मॉडर्नाइज नहीं करना चाहते, वो अपने बचपन को हमेशा जीना चाहते हैं। खैर, अब आगे बढ़ते हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ की तरफ। जी हाँ, अगर गाजीपुर के डड़वा में आप गए हैं और दिनेश लाल यादव निरहुआ का घर नहीं देखा तो क्या देखा, बड़ी दूर से आपको इनका घर दिखाई देगा क्योंकि ये 3 मंजिला है। जी हाँ, आपको बता दें कि दिनेश लाल यादव निरहुआ का उसी गांव में 2 घर हैं। एक घर तब का जब वो स्टार नहीं बने थे, कॉमन थे तब का, जहाँ आज भी उनकी माँ रहती हैं, और एक घर अब जो कि दिनेश लाल यादव निरहुआ ने अपनी कमाई से बनवाई है। तो भाई, आपको बता दें कि भोजपुरी के सभी सुपरस्टारों से, शायद सभी सुपरस्टारों से बहुत ही महंगा और बहुत ही आलीशान घर है इनका। बड़ी बारीकी से इन्होंने अपने घर का काम करवाया है। यहाँ इनके परिवार के बड़े कम सदस्य रहते हैं, ज़्यादातर लोग मुंबई में या फिर इनके पुराने घर पर रहते हैं। खुद दिनेश जब आते हैं, भले ही यहाँ रहते हों, लेकिन उनका ज़्यादातर टाइम अपने पुराने घर पे ही बीतता है। उनके घर पर जो कि उनकी फिल्म निरहुआ हिंदुस्तानी में यूज की गई थी। आपको बता दें कि निरहुआ हिंदुस्तानी वही फिल्म है जिसने दिनेश लाल यादव निरहुआ की किस्मत पूरी तरह से चमका दी थी, और यह फिल्म कहीं न कहीं इनके काफ़ी करीब है, इसलिए इससे जुड़ी यादें इन्होंने अपने पैतृक गांव वाले घर पर रखी है। और इस घर को बनाने में दिनेश लाल यादव निरहुआ ने पूरे अपने दिल से काम करवाया है, तभी तो इनका इतना आलीशान घर बड़े ही दूर से, तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर दूर से ही दिखाई पड़ता है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि पवन सिंह और खेसारी लाल यादव से कहीं ज़्यादा बेहतरीन और कहीं ज़्यादा आलीशान है दिनेश लाल यादव निरहुआ का आशियाना। यकीन है आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। भोजपुरी रेत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।